मॉर्निंग, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, इस बार न्यू ईयर की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है हमारी। माता जी के दर्शन भी हो गए और भोले बाबा के दर्शन भी हो गए, तो आज फाइनली वापस जा रहे हैं घर। तो आज रात को स्टे हमने श्रीनगर में कर लिया था, जे एंड के वाला श्रीनगर नहीं, एक गढ़वाल में भी श्रीनगर है तो वहाँ हमने स्टे किया था। तो अभी फटाफट होते हैं रेडी और वापस चलते हैं चंडीगढ़। तो आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ बाहर का व्यू श्रीनगर का। तो गाइज ये देखिए, इस तरह से है यहाँ पे व्यू श्रीनगर का। सामने ये पहाड़ ना मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मतलब छोटे छोटे हैं ना, जैसे अपने वहाँ पे बहुत हाइट पे होता है वैसे नहीं लग रहा है अभी। और नीचे ये सारा प्लेन में ये सिटी है और यहाँ पे मोस्टली मतलब एजुकेशन हब है ये, यहाँ पे बताया हमें ऐसा, मुझे नहीं नॉलेज था। तो ये सारा एजुकेशन हब है और यहाँ पे काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं। तो अभी फटाफट होते हैं रेडी और मूव करते हैं चंडीगढ़ की ओर। हाँ जी उठो, कब से उठा रही हूँ आपको मैं। क्या व्लॉग बना रही हो? हाँ क्या हद, वो देखो 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 छुप जाएंगे ये। हट जा यार, उठो उठो, छोड़ दे यार तुम, रुक जा। सोने नहीं दे, टाइम देखो, चंडीगढ़ जाना है आज, इतने सारे काम पेंडिंग है मेरे। चलो जल्दी उठो। ये तो गाइस बहुत ही सोते हैं, मतलब इनको उठाने के लिए मुझे लगते हैं 2 घंटे। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं सारे के सारे और सब अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं और हम फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। तो गाइस फिर से पहुंच गए हैं हम वापसी में देवप्रयाग और देखिए यहाँ पे हो रहा है संगम दो नदियों का। और देखिए वो सामने ग्रीन कलर वाली जो नदी है वो है अलकनंदा, और जो दूसरी वाली साइड को है जिसका पानी थोड़ा मतलब आपको ब्लूइश सा दिख रहा है वो है भागीरथी। और मिलकर बन गई गंगा, और मिलकर बन गई ये गंगा, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए इस तरह का व्यू है यहाँ पे, वो। हेलो हाँ। चलो तुम जाओ यार, सोने तो नींद लग गई। थक गए हो? क्यों थक गए आप? गाड़ी जो चला रहा हूँ इतने किलोमीटर, अच्छा 1000 किलोमीटर चला बैठा हूँ। है कितनी? इधर इधर बता रहा, इधर बता रहा, झूठ झूठ बोल रहे हैं ये लोग, ये बहुत झूठ बोलते हैं। अभी 1000 किलोमीटर तो नहीं हुआ है, 400-500-600 तक हो गए हैं। इधर देख के बोलो, 600 का हो गया वो तो कुवा जी साउथ वाले। रुको तुम जाओ, जाओ अब कोई भी नहीं है वहाँ पे, जाओ तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, करो फिर जी। आप यहाँ पे उधर रहे हो तो काफी अच्छा लगा हमें आपके साथ, और भोलेनाथ जी चाहेंगे तो फिर जरूर मिलेंगे आपकी शादी में, ठीक है? यही उतरना आपने दादू की सड़क में, आगे 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 उतरने। बहुत अच्छा लगा हमें भी आप लोगों से। अच्छा जी, कितना अच्छा लगा भैया? बहुत अच्छा लगा। कितना? नए साल में आपके साथ रहने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा भैया, प्लीज बताइए ना। नारायण भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा डीजे भाई से मिलके। हमें तो भाई बड़ा सौभाग्य आपके साथ, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, मजा आ गया। थैंक यू सो मच भैया, है ना, बहुत ही बढ़िया लगा। बहुत जल्दी मिलेंगे और हम तो सोच रहे हैं कि आपको लेके ही चलते हैं चंडीगढ़, उतारे ही नहीं हमें। जल्दी आएंगे, जल्दी मिलेंगे चंडीगढ़ में। हाँ चंडीगढ़ है भैया। तो गाइस अभी हिमांशु भाई उतरने वाले हैं, ऋषिकेश में पहुंच गए हैं हम, तो ऋषिकेश में उतर जाएंगे भैया और फिर हम जाएंगे आगे। तो बहुत ही बढ़िया रहा साथ में इनके हमारा सफर। ओके 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 ओके, बाय भैया, बाय बाय, हर हर महादेव। तो हिमांशु भाई उतर गए यहाँ पे और यहाँ लगाया अभी थोड़ा जाम, तो अब हम जाएंगे यहाँ से। तो रास्ते में लोगों को लग गया, आप आराम से जाओ, ठीक है? जय शंकर, जय शंकर। हेलो चीची खा लेना, हेलो हेलो चीची, हेलो हेलो
खा लेना सब। अरे नो सर, चाय पी लेना, चाय चाय पी लेना, जाओ प्लीज सर। ओ ले जा, चाय पी लेना, जाओ बस ना आ गए ले। पानी का वो खराब कर रहा है। तो हम हैं हरिद्वार से अभी गुजर रहे हैं। जय भोलेनाथ। हर की पौड़ी यहाँ है, हाँ सामने है। हम हैं हर की पौड़ी के सामने अभी, नमामि गंगे। तो दिए पाद पंकज नमामि देवी, नमामि गंगे। तो गाइस, बाबा जी के बर्थडे पे हुई थी मेरी, इंस्टा आईडी हैक, और अभी हो गई है कॉर्ड क्लोन। डीजे की डीपी उठा के लगा दी है किसी ने व्हाट्सएप पे, और वो मांग रहा है हमारे सभी फ्रेंड्स से पैसे। और कुछ कुछ ने तो ऐसे नमूने हैं हमारे दोस्त कि पैसे डाल भी दिए हैं उसके अकाउंट में, किसी ने 10,000, किसी ने 5, किसी ने 2,500। मतलब मजे आ गए। पर मैं बोलती हूँ गाइस कि इतना फालतू टाइम मतलब कमा नहीं सकते जिंदगी में कोई ना, बस ये उल्टे काम करके बस पैसे ऐंठो दूसरों से। वेरी बैड, मतलब बहुत गलत है ये, बहुत ही ज्यादा गलत है ये। डीजे चलो पूरा हुआ ठीक है, अब तो डाल रहा हूँ मैं स्टेटस जल्दी जल्दी। हाँ स्टेटस डाल भाई, किसी और से पैसे ना जाए, हमारे दोस्त ना और ठगे। पर वो भी पागल है यार, फोन तो कर लो एटलीस्ट एक बार। चलो सब भोले की माया है। तो बाबा जी आप क्या व्यूज देना चाहते हैं इस पे, अभी जो सीन हुआ पड़ा है, जो डीजे का डीजे की डीपी लगा के वो बंदा पैसे मांग रहा है सबसे, हमारे फ्रेंड से। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। हाँ? ये क्या था? तुम ना कुछ रॉक्स भाभी शॉक। हाँ ये तो सच में भाई, क्या बोले जा रहे हैं। मतलब मैं समझ बोलना कि हाँ थोड़ा कमा के वो कर लो है। देखो क्या बोलूंगा, गलत है ना। पर ये समझदार है, पूरी दुनिया समझदार है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पर है। फिर भी लोग ऐसे क्यों करते हैं कि देखो, मतलब अब वही चीज आ गई ना कि डीजे को तो पता भी नहीं है कि मतलब ऐसा चल रहा है। मतलब ना वही चीज, कोई भी हो सकता है एच वाई जेड। मेरी आईडी जब हैक हुई थी तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, वो तो है ना। तो ऐसे पता नहीं लोग क्यों वो करते हैं। बंदा अपनी मेहनत से कमाता है ना, इतना पता नहीं क्या कैसे कमाता होगा। हाँ ऐसे ऐसे काम करके पता नहीं कैसे पैसे मिलते हैं, और फिर भगवान कर्म का भुगतान तो देता ही है। कर्मा इज द बिच, बैक तो आएगा। बिल्कुल कर्म बिच नहीं, कर्म बलवान है। नहीं बाबा जी, अगर गलत करोगे ना तो गलत होगा भी, बलवान भी है। अगर निस्वार्थ करेंगे तो वो बलवान भी है। कर्मा पे इस बैग, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या सब यही मिलेगा, सब यही मिलेगा जो तेरा कर्म है। जय में बोले बाबा। तो गाइस पूरे रोड धुंध हो के रखी है, और देखिए हमारे एक्सपर्ट इतनी धुंध में भी, मतलब देखो देख, तो इतना कोहरा है आगे रोड पे, और मतलब 10 किलोमीटर भी अभी ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितना ज्यादा डिस्टेंस है। ये बस हमने छुपा के रखा था, ये भी बन रहा था ना इन प्रोसेस, ये वरुष ने खुद बनाया ना आपके लिए। गिफ्ट आया, अभी गिफ्ट आया है मैडम जी को। Oh my God, बहुत ही नाजुक गिफ्ट आया, लग रहा है थर्माकोल में पैक्ड है। वर्ष बोल रहा है वो सही खोलूंगा। कोमल जी अच्छा न्यू लड़का लेके आए भाई, वाह जी वाह, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये तो बहुत ही, जब इसे जलाएंगे ना जबरदस्त जलेगा भी। हाँ ये बहुत ही अच्छा लगेगा, ये अच्छा न्यून लाइट का लेके आए हैं। चार्जर भी है साथ में,
सो भाई जी अभी चार्जर निकाल रहे हैं भाई, अभी चला के दिखाते हैं, वहाँ वो चार्जर लगा है वहाँ चला के। हाँ 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 हाँ, तो अभी देखिए गाइस, वाओ बहुत ही सुंदर है, कितना सुंदर है। थैंक यू, स्पेशल आपके व्लॉग्स के लिए लेके आए हैं। तुम्हें व्लॉग्स के लिए? हाँ, सो दैट आप व्लॉग्स में लो इसको। और मैं हमेशा लूंगी इसको, बहुत बढ़िया लग रहा है। पर जब आउटडोर जब गले च पाउने नु, गले च पाउने नु, बैटरी बैटरी ना लागे गले च पाउने। तोहफे वाला ये अपनी शॉप है, वहाँ पे 70 सेक्टर में, आप सब लोग आओ। अच्छा जी भी, और आप सब लोग इनवाइटेड हो वहाँ, आओ, मोस्ट वेलकम आपका। भाई जी ने खुद बनाया है ना, और बहुत बढ़िया जी। हाँ जी मैडम जी, आपको कैसा लगा गिफ्ट? सब सुपर ऑसम, सोचा नहीं कुछ ऐसा निकलेगा। वाह देखिए, चलने वाला। हाँ सही बात है, बहुत ही प्यारा। हाँ जी भाई, हंसता ही रहना, कैमरा बहुत डरावनी थी। तो भाई ये जा रहे हैं अभी, बहुत ही फन किया हम लोगों ने। बाय 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 डीजे वाले बाबू। तौलिया लेके कहाँ जा रहे थे वैसे? ये मैम का तौलिया उठा रखा मैंने। मैम का तौलिया, चलो गाइस बाय बाय, टेक केयर। बहुत ही फन किया हम सब ने और बहुत मजा आया। ख्याल रखना अपना, मिलते हैं सब जल्दी। ओके बाय बाय। तो गाइस बस हमारा ट्रिप एंड हो चुका है और सब जा भी चुके हैं। ये देखो भाई, केदारनाथ जी की तस्वीर दी थी वहाँ पे एक लड़के ने। जय केदारनाथ जी, जय केदारनाथ जी, जय केदारनाथ। आईपैड, हाँ ये क्या, ये क्या खाली खाली है? ये सारे रैपर हैं गाइस। अच्छा, सब वापस लेके आए हैं। देखो भाई, पहाड़ों में घूमने जाओ, गंदगी ना फैलाओ। वो तो अपना सारा सामान हमने इसमें डाला, अब हम इसको कूड़े वाला जब आएगा ना उसे दोगे है ना। हाँ, सही बात है यार, ये तो बहुत ही बढ़िया आपने किया। नहीं तो मेरे जैसे जाते तो मैं तो वहीं फेंक आता ये सब तो। अच्छा, ये चीज होनी चाहिए कि हमें अपनी प्रकृति को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अगर हम उसकी ब्यूटी को खराब करेंगे ये सब चीजें वहीं फेंक के, तो क्या फायदा? बिल्कुल जी, सही बात है। तो ये चीजें तो होनी चाहिए गाइस। मतलब पहले तो शायद हम भी नहीं करते थे, तो अब जब थोड़ी अक्ल आई है तो लोग बिल्कुल वो हो गए नेचर के लिए, जी, और जी, कभी भी इस तरह से नहीं करते। तो अपने इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। बहुत ही मजा आया हमें दो दिनों में, बहुत ही अच्छा न्यू ईयर रहा इस बार अपना त्रिवेणी नारायण जी में, और धारी देवी माता के दर्शन हुए और बहुत ही आनंद आया। तो सब खुश रहिए, हेल्दी रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।